बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। जो हम लोग कैलकुलस की बुक सॉल्व कर रहे हैं वो है डॉक्टर MNM तालपुर की बुक है। इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.13 को आज सॉल्व करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं 2-3, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। वो भी बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अच्छे तरीके से समझना है, फिर इसी को फॉलो करते हुए हम लोग इसकी एग्जाम्पल्स नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें कहता है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 1, 3, 1, 3, 2 एंड -1, 2, 4। वो कहता है इसमें हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसका हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है जब हमारे पास वर्टिसेस उसके गिवन हो। तो एक ट्राइंगल के 3 कॉर्नर होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, और वो तीनों हमारे पास क्या है, यहाँ पे गिवन है। तो हम लोग ने उसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास ये पहला वर्टिसेस ट्राइंगल किस तरीके से होती है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल है ये ए हो गया, यहाँ पे ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये इसके वर्टिसेस हैं इस ट्राइंगल के। तो ए पे ये हमारे पास कितना है 2, 1, 3 और ये कितना है, बी कितना है 1, 3, 2, 1, 3, 2 और सी कितना है हमारे पास -1, 2, 4। ये इस ट्राइंगल की क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया। हम लोगों ने इसकी फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला जितना भी इसका एरिया है क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ने लेट कर लिया कि ये हमारे पास ए है वर्टिसेस है, ये बी है और ये सी है। तो लेट कर लिया हम लोगों ने कि ए हमारे पास कितना है 2, 1, 3 और बी कितना है हमारे पास 1, 3, 2 और सी हमारे पास है -1, 2 और 4। ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हम लोग ने क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का, ठीक है। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसका एरिया, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या करना है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो जब हमारे पास इसके 3 वर्टिसेस गिवन हो तो हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला इसका होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो हमारे पास होता है ए बी क्रॉस प्रोडक्ट ए सी का डिटर्मिनेंट लेके उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये उसका क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसकी मैग्नीट्यूड लेके हम लोग 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसको मैं किसी इक्वेशन स्टेरिक का नाम मेंशन कर देता हूँ। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए बी ए सी, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर किसके बराबर होता है, x2 - x1 i यूनिट वैक्टर प्लस y2 - y1 यहाँ पे j यूनिट वैक्टर प्लस z2 - z1 k यूनिट वैक्टर। तो ये ए है, ये क्या है बी, तो इसमें ए क्या होगा x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 z2, ये x1 ये x2, ये y1 ये y2, ये z1 ये z2। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, x2 कितना है यहाँ पे 1 - 2 i यूनिट वेक्टर प्लस 3 - 1 j यूनिट वेक्टर प्लस ये z1 है ये z2 है, तो ये आ जाएगा 2 - 3 यहाँ पे के यूनिट वेक्टर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1 - 2 - i यूनिट वेक्टर प्लस 2 j यूनिट वेक्टर - k यूनिट वेक्टर। सेम इसी मेथड से हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ए सी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ए सी वेक्टर हमारे पास होता है x2 - x1
यूनिट वेक्टर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, यहां पे जे यूनिट वेक्टर प्लस जी टू माइनस जी वन के यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, जो ए होगा उसमें वो हमारे पास होगा एक्स वन वाई वन जी वन, और जो सी होगा हमारे पास वो क्या होगा एक्स टू वाई टू और जी टू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ए सी वर्टिसेस और इसकी लेंथ निकाल रहे हैं, तो ये होगा एक्स वन वाई वन जी वन, ये होगा एक्स टू वाई टू जी टू, तो इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वन माइनस टू आई यूनिट वेक्टर प्लस टू माइनस वन जे यूनिट वेक्टर प्लस फोर माइनस थ्री, और यहाँ पे आ जाएगा के यूनिट वेक्टर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर, ये हम लोगों ने निकाल लिया ए सी। ए बी और ए सी निकालने के बाद यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का साइन लिखा हुआ है, तो क्रॉस इसको हम लोग इन एलिमेंट्स को आई जे क्यू को हम लोग इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें तो आई के साथ यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या होगा माइनस वन, और जे के साथ कितना है टू, और के साथ कितना है माइनस वन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसको भी ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस थ्री ये वन और ये वन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ले लेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से लेते हैं, ये हमारे पास ए बी यहाँ पे क्या था क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी के लिए हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास आई जे और के। आई जे के हमारे पास जो ए बी के हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स थे वो कितने हैं माइनस वन टू माइनस वन, और ए सी के हमारे पास कितना है यहाँ पे हमारे पास है माइनस थ्री वन और वन। तो आई जे ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आई, और इसके जो हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं ये वाले लिख लेंगे आई वाले, ये छुपा लेंगे, बाकी चार एलिमेंट्स लिख लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा टू माइनस वन माइनस थ्री और ये वन, दरमियान में क्या लिखते हैं माइनस जे, और जे के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं लिखेंगे, बाकी चार लिख लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री और ये वन, प्लस यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं के यूनिट वेक्टर, और इसके चार एलिमेंट्स कौन से हैं ये वाले, इस पे छुपा लेंगे, बाकी चार लिख लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वन टू और माइनस थ्री और ये वन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व इस तरीके से करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे ए बी सी और डी हो तो इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है ए डी माइनस बी सी, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा टू, दरमियान में माइनस होता है, माइनस वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का थ्री, तो यहाँ पे माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस जे यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा माइनस वन और माइनस का थ्री, प्लस के यूनिट वेक्टर ठीक है ये माइनस वन, माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन, तो थ्री टू द सिक्स, माइनस दरमियान में माइनस सिक्स होगा, दरमियान में क्योंकि माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री टू द सिक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आई माइनस फोर हो जाएगा प्लस का फोर जे प्लस का फोर जे और प्लस का फाइव के, ठीक है ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये ए बी क्रॉस ए सी हम लोगों ने निकाल लिया, अब सवाल की शर्त के मुताबिक हम लोगों ने क्या करना है, ये फार्मूले के मुताबिक इसकी मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड लेके उसको टू पे डिवाइड कर लेंगे, तो इसकी जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी मैग्नीट्यूड किस तरीके से लेते हैं, ये जो आई जे और के साथ जो कॉन्स्टेंट हैं उनका सम और स्क्वेयर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वन का स्क्वेयर प्लस फोर का स्क्वेयर प्लस फाइव का स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये वन प्लस सिक्सटीन प्लस 25, इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को पुट कर लेंगे हम लोग किसमें, इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर लेंगे, तो इसमें जब पुट करेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, किसी भी ट्राइंगल का जिसके वर्टिसेस हमारे पास तीन गिवन हो तो उसका एरिया आ जाएगा, तो ये हमारे पास है एरिया
ऑफ ट्राइंगल कितना है यहाँ पे, 50 स्क्वायर रूट ओवर 2। 50 को अगर हम लोग मजीद यहाँ पे डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 25, 5 5 ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2। ये 5 का पेयर बन रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट और 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमारे पास एक के ऊपर स्क्वायर रूट है, एक के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं, अगर एक जैसे कांस्टेंट आ जाते हैं तो उसको हम लोग जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होती है उसको दो दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, 5 ओवर 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसका आंसर। अब इसमें कोई भी ऐसी बात है, कोई भी ऐसा स्टेप है, अगर आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके लाजमी बताना है। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है कि शो दैट पॉइंट्स, ये हमारे पास 4 किस्म के पॉइंट दिए हैं, ठीक है, हर पॉइंट के अंदर 3 टपल के एलिमेंट्स हैं। वो कहते हैं आर को प्लानर, एक तो हम लोगों ने प्रूफ करना है कि जो हमारे पास 4 ये पॉइंट्स हैं ये कोप्लैनर की शक्ल में दिए हैं, ठीक है, प्रूफ करना है कि ये कोप्लैनर है। एंड फॉर्म कॉर्नर ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो अगर वो कहता है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, अगर उनके कॉर्नर पे ये वाले पॉइंट रख दिए जाएं तो वो पैरेललोग्राम की शक्ल बनाते हैं, ठीक है, ये प्रूफ करना है। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, जब हमारे पास ये 4 पॉइंट गिवन हो, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा गौर से समझना है। ये यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोगों ने ये पहला पॉइंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट है, तो इनको हम लोगों ने ए बी सी और डी का नाम देना है, ठीक है, तो लेट कर लेंगे हमारे पास ए क्या है, 5 3 3, बी कितना है हमारे पास 6 3 -1, और सी कितना है हमारे पास 10 2, सी हमारे पास है यहाँ पे ये था 1 4 1 4 3 था, और सी कितना है हमारे पास 6 3 -1, और डी कितना है हमारे पास 10 2 -1। हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये 4 पॉइंट्स कोप्लैनर की शक्ल में है, ठीक है, तो कोप्लैनर के लिए अगर हमारे पास 4 पॉइंट गिवन हो तो कोप्लैनर के लिए क्या करते हैं, ठीक है, उसको ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये कहता है पैरेललोग्राम, अगर इनके कॉर्नर पे, पैरेललोग्राम के कॉर्नर पे इन 4 पॉइंट्स को रख दिया जाए तो वो पैरेललोग्राम की शक्ल बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, टू शो पॉइंट्स आर कोप्लैनर, ठीक है, एक तो ये प्रूफ करना है, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने ये प्रूफ करना है टू शो दीज पॉइंट्स आर फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एक ये प्रूफ करना है, थर्ड नंबर पे हम लोगों ने प्रूफ करना है, थर्ड नंबर पे प्रूफ करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एक ये हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, लास्ट में हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम की शक्ल में है। तो इसके लिए 1 का मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, 1 का सोल्यूशन, कहता है शो दैट पॉइंट्स आर कोप्लैनर, तो फॉर कोप्लैनर अगर हमारे पास 4 किस्म के पॉइंट्स गिवन हो और उनको हम लोगों ने प्रूव करना हो कि ये जो ए बी सी डी हैं कोप्लैनर की शक्ल में, तो हम लोग क्या प्रूव करते हैं कि ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, इनका रिजल्ट अगर आ जाए इक्वल टू 0 तो ये क्या होंगे, ये 4 पॉइंट्स कोप्लैनर की शक्ल में होंगे, ठीक है, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ये हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर इनका पहले मतलब ए सी क्रॉस ए डी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आएगा या ए बी के साथ
डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो उसका रिजल्ट अगर आ जाएगा इक्वल टू जीरो, तो हम लोग कहेंगे कि ये पॉइंट्स क्या हैं कोप्लैनर की शक्ल में। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, इसको आप लोग किसी स्टेरिक का नाम मेंशन कर दें। सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ए बी क्या होगा, ये एक्स वन वाई वन जी वन, ये एक्स टू वाई टू जी टू। तो ये हमारे पास होता है एक्स टू माइनस एक्स वन आई यूनिट वेक्टर प्लस ये एक्स वन है ये एक्स टू है, एक्स टू माइनस एक्स वन आई यूनिट वेक्टर। फिर क्या लिखते थे, वाई टू माइनस वाई वन जे यूनिट वेक्टर, मतलब फोर माइनस थ्री जे यूनिट वेक्टर प्लस थ्री माइनस थ्री और यहाँ पे लिखेंगे के यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा माइनस फोर आई प्लस जे प्लस जीरो के, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास थ्री टपल के जो एलिमेंट्स है वो आए माइनस फोर आई वाला माइनस फोर है, जे वाला यहाँ पे कांस्टेंट वन है और यहाँ पे कितना है जीरो। उसके बाद हम लोग निकालेंगे ए सी, ए सी में जब लेंगे तो ये एक्स वन वाई वन जी वन होगा, ये एक्स टू वाई टू जी टू। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे यूनिट वेक्टर प्लस जी टू माइनस जी वन के यूनिट वेक्टर। तो एक्स टू कितना है यहाँ पे, सिक्स माइनस फाइव आई यूनिट वेक्टर प्लस थ्री माइनस थ्री जे यूनिट वेक्टर प्लस माइनस वन माइनस थ्री के यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा आई प्लस जीरो जे, आई प्लस जीरो जे और इसके बाद क्या है माइनस फोर के। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन जीरो माइनस फोर, मतलब आई जे के साथ, आई जे के साथ जो कांस्टेंट होंगे वो लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ए डी, क्या फाइंड आउट करना है, ए डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए डी निकालने के बाद फिर इसका हम लोग ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ए डी, ये ए और ये डी, तो ए डी में हमारे पास ये एक्स वन वाई वन जी वन होगा, ये एक्स टू वाई टू जी टू। तो हम लोग क्या लिखते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट आई यूनिट वेक्टर, ठीक है। पहले एलिमेंट, फाइनल एलिमेंट को इनिशियल एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करके आई यूनिट वेक्टर प्लस दूसरे को दूसरे में से माइनस करके जे यूनिट वेक्टर प्लस तीसरे को तीसरे में से माइनस करके के यूनिट वेक्टर। तो प्लस ये आ जाएगा टू माइनस थ्री आई यूनिट वेक्टर प्लस और ये माइनस वन माइनस थ्री जे यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा फाइव आई माइनस जे और माइनस फोर के। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइव माइनस वन और माइनस का फोर, फाइव माइनस वन माइनस का फोर। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, ए पी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था इस चैप्टर में, ट्रिक बताई थी कि ए डी अगर ए के हमारे पास ए वेक्टर हो, हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हो ए वन ए टू ए थ्री, बी वेक्टर हमारे पास कोई है उसके अंदर हमारे पास थ्री टपल के एलिमेंट्स हैं बी वन बी टू बी थ्री, सी वेक्टर हमारे पास है यहाँ पे उसके अंदर थ्री टपल के एलिमेंट्स हैं सी वन सी टू और सी थ्री। अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो ए डी बी क्रॉस सी, ए डी बी क्रॉस सी, तो हम लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये प्रूफ था, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ठीक है। तो इसी को देखते हुए ये ऐसे समझ लें, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है सी वेक्टर है। तो उसको इसी शेप में हम लोग लिख लेंगे, बिल्कुल सेम इसी शेप में इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन स्टेरिक, इसकी ले लें लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बल्कि यहां पे लिख लेते हैं कि ए डी ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी इज इक्वल टू, ये हमारे पास यहां पे आ जाएगा ए बी के एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, वो है माइनस फोर वन जीरो, माइनस फोर वन जीरो। उसके बाद ए सी के कितने हैं, वन जीरो माइनस का फोर, और ए डी के कितने हैं हमारे पास फाइव माइनस वन और माइनस का फोर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, जिस तरह हम लोग को थ्री बाय थ्री का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है माइनस फोर और यहाँ पे टू बाय टू का डिटर्मिनेंट बना लो,
उसके बाद क्या लिखें, यहाँ पे प्लस वन है तो माइनस वन लिखेंगे, दरमियान वाला हमेशा माइनस होता है, पहले प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस, लेकिन ये नंबर ही माइनस का था तो यहाँ पे माइनस फोर लिखा। उसके बाद प्लस जीरो, सॉरी यहाँ पे टू बाई टू का डिटर्मिनेंट बना लेंगे, ठीक है, टू बाई टू का डिटर्मिनेंट प्लस जीरो, और ये डिटर्मिनेंट बना लिया। ये देखें माइनस फोर है तो ये चार नंबर लिख लेंगे, यहाँ पे क्या है जीरो माइनस फोर माइनस वन माइनस फोर, इसको छुपा के ये वाले चार एलिमेंट्स लिख लेंगे, क्या है वन माइनस फोर फाइव माइनस फोर, और ये हमारे पास थर्ड है यहाँ पे वन जीरो फाइव माइनस वन, इनके टू बाई टू के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और दरमियान में क्योंकि माइनस होता है, ये मैंने फार्मूला बताया था आप लोगों को, ए बी सी और डी हो तो टू बाई टू का डिटर्मिनेंट क्या होता है ए डी माइनस बी सी, तो ये ए है ये बी है ये सी है और डी है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, तो जीरो को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस फोर माइनस वन माइनस का फोर प्लस का ट्वेंटी, और ये तो वैसे भी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है, डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट है वो सबको जीरो कर देगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 16, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 16, ठीक है, 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 माइनस 16, ये एक प्लस का एक माइनस का कट गए तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे जीरो, ठीक है। तो देखें ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी का मैंने क्या कहा कि अगर फॉर कोप्लेनर के लिए इनका रिजल्ट इक्वल टू आ जाए जीरो, तो ये इसकी राइट हैंड साइड के मुताबिक जीरो आ गया, ठीक है, तो हम लोगों ने लिखना है दीज पॉइंट्स, दीज फोर पॉइंट्स आर कोप्लेनर, ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्या है तीन चार किस्म के पॉइंट्स हैं, ये क्या है कोप्लेनर की शक्ल में है, ठीक है, तो ये इनका सोल्यूशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर वन और टू को सॉल्व किया, तो कोई भी ऐसी बात है कोई भी ऐसा स्टेप है या इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है अगर आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है, तो मैं किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।